हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेवा मछली की रेसिपी, छोटी मछली। तो चलिए हम और आप मिलकर बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मछली को साफ कर लिया है अच्छी तरह से। ये मछली के देखिए गला के पास काट दिया जाता है और उसके अंदर जो भी गंदगी होती है निकाल के साफ कर दिया जाता है। और मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट है, मैं बना के अक्सर मैं घर में रखती हूँ अपने फ्रिज में। और थोड़े से अजवाइन, इसको इस तरह से मसल के डालना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आए। छोटी मछली को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें। हाँ, मैं डाल रही हूँ एक चम्मच इसमें नमक, आप नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लें। और एक छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। और फिर मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए। वैसे छोटी मछली आप ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं चूड़ा के साथ, तो इसमें और सारे मसाले डाल सकते हैं। जो मसाले मैं ग्रेवी के लिए बनाऊंगी मैं आगे बताऊंगी, तो जो ग्रेवी के मसाले हैं उस मसाले को डालकर और सिंपल सा फ्राई करके आप इसे चूड़ा के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दें पूरी तरह से, और चारों तरफ हर तरफ मसाला कोट होना चाहिए इवेनली। तो इस बीच में वो साइड में रख देती हूँ और इस बीच में करती हूँ मसाले की तैयारी। देखिए ये गार्लिक जो है इसको मैं ऐसे छील के डाल रही हूँ, वैसे आप बिना छीले भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका छिलका अच्छी तरह से पिस जाना चाहिए, अच्छी तरह से बहुत ही महीन पेस्ट बन जाना चाहिए। तो अच्छा महीन पेस्ट बनाने के लिए इसका छिलका हटाना ज़रूरी होता है ताकि आसानी से पेस्ट बन जाए। वैसे आप इसका छिलका नहीं भी हटाएंगे और अच्छी तरह से पीस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको हटा रही हूँ, देखिए अच्छी तरह से छिलके हटा रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी एक छोटी चम्मच सरसों, पीला सरसों। वैसे आप जब भी इसमें काला सरसों डालते हैं तो उसका तीखा आता है, एक अलग टाइप का तीखा होता है। और मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, गोल मिर्च है वो भी एक छोटे चम्मच, थोड़ा सा हल्दी। हम लोग जो मसाला पीसते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी ज़रूरी होता है डालना, इसे मैं देखते आई हूँ बचपन से तो मैं वैसा ही करती हूँ। और देखिए कितना फाइन पेस्ट हो गया है ये। कंसिस्टेंसी पतली हो, मोटी हो, गाढ़ी हो, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो इधर कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल है ये, सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक एक करके इस मछली को डालेंगे। इस मछली को डीप फ्राई करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। अच्छा फ्लेवर के लिए इसे डीप फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी होती है ये मछली, छोटी मछली, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, हेल्दी और टेस्टी दोनों। तो देखिए इधर ये जो मेरा पेस्ट है देखिए कितना बढ़िया है, एक बोल में निकालती हूँ और मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो इस मसाले में मैं पहले ही डाल लेती हूँ ताकि कढ़ाई में नहीं डालना पड़े। एक छोटी चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें ये हल्दी का पेस्ट पाउडर, सॉरी, और ये नमक दो छोटे चम्मच डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले जितना नमक ज़्यादा या कम खा रहे हों। और मैं ये मिर्च पाउडर ले रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो ये दो छोटे चम्मच डाल दे रही हूँ। और ये दो बड़े टमाटर हैं, इसी का फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया इसमें। और इसका ये डंठल जिसको बोलते हैं इसका जड़ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जो नहीं गलता है अच्छी तरह से। और इसके पीसेज काट के मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये सारी तैयारी हो जाएगी तो हमें जब लास्ट में मसाला फ्राई करना होगा तो उसमें कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ और यही चीज़ है जो जिसका मसाला बनाऊँगी। तो इधर देखिए मछली फ्राई हो चुका है, दोनों साइड से फ्राई हो गया है एक बैच। मैं इसे निकालूँगी और फिर दूसरा बैच फ्राई करूँगी। ऑयल इसका निकाल दे अच्छी तरह से, देखिए कितना शानदार है। आप इस तरह से इस छोटी मछली को खाना अगर पसंद करते हो तो आप खा सकते हैं। तो जो मैं इसमें नमक और हल्दी डाली हूँ और गार्लिक पेस्ट, तो उसके जगह पर आप सरसों लहसुन का जो पेस्ट है उसमें से भी डाल सकते हैं। और दूसरा बैच मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये भी फ्राई हो जाए डीप फ्राई। तो ये भी हो चुका है डीप फ्राई और इसे मैं निकालूंगी फिर ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें निकालते हुए इसको बाहर कर लेती हूँ। और फिर इसमें करूंगी
मसाले को फ्राई। तो देखिए अब जो बचा हुआ तेल है कढ़ाई में, इसमें मैं डालूँगी ये मेथी के दाने, एक छोटी चम्मच मेथी के दाने हैं, सिंपल सा, बस इसमें कोई मिर्च मसाला और नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ मेथी के दाने। और जब ये चटकने लगे तो जो मसाला मैं रेडी करके रखी हूँ इस मसाले को इसमें डाल देना है। ये मसाला मैं इसमें डाली पूरी तरह से, थोड़ा ध्यान देकर चूँकि तेल के छींटे पड़ेंगे, और अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो जलने लगेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते हुए, इसे फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सरसों होता है पीला सरसों, उसका कच्चा फ्लेवर जाना ज़रूरी है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, एग्जैक्ट 10 मिनट हुए हैं, और ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। और जब अच्छी खुशबू आने, देखिए तेल भी छोड़ दिया है, इस मसाले के अंदर जितने ऑयल हैं वो ऊपर आ जाए, ये साइन है कि ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। आप मछली के मसाला जितना बेस्ट बनाएंगे मछली उतनी ही टेस्टी होगी। और इसी दौरान मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती वैसे लास्ट में डाला जाता है, लेकिन आप एक बार इस तरह से मसाले जब फ्राई करते हैं उसमें डाल के देखिएगा। मसाला भून चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। अच्छी तरह से मसाला भून चुका है, कोई इसमें अभी कमी नहीं रह गई है, मसाला पूरी तरह से भून चुका है। देखिए इसका कलर, देखिए कितना शानदार कलर आया है। पानी डालने के लिए रेडी है ये मसाला। तो इसको अगर आप, ये छोटी मछली आप चूड़ा के साथ खाना चाहते हो तो इसी में मछली डालिए और थोड़ा देर भूनिए और आप उसको चूड़ा के साथ खा सकते हैं। लेकिन मछली चूड़ा नहीं, मैं आज मछली चावल बनाऊंगी। तो ये मछली जो है इसी में डालेंगे और ये लटपट जिसको बोलते हैं आप चूड़ा के साथ खा सकते हैं, बट मैं आज बनाऊंगी ग्रेवी वाली, तो मुझे इसमें पानी डालना होगा। तो मैं इसमें पानी डालूंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप उस तरह से भी खा सकते हैं। तो ये पानी मैं डाली इसमें एक गिलास, लेकिन काफ़ी थिकनेस है तो एक गिलास और पानी डालूंगी इसमें मैं, क्योंकि चावल से खाने के लिए थोड़ी पतली ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये डाल दी मैं इसमें और अच्छी तरह से उबाल आ जाए, इस पानी में अच्छी तरह से उबाल आना ज़रूरी है। देखिए खूब अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से उबालना होगा। तो ये उबल चुका है और मैं इसमें एक एक कर डालूँगी मछली, और मछली डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। इतना ध्यान रखें कि जब भी मछली बनाएं, ग्रेवी में मछली जाने के बाद आप उसमें 2 मिनट 1 मिनट नहीं छोड़ना है, 10 से 15 सेकेंड में बस गैस का फ्लेम ऑफ करें, उसके ऊपर से धनिया की पत्ती डालें और फिर तैयार है ये मछली खाने के लिए। देखिए मेरी मछली बस बन के तैयार हो गई और गर्मा गर्म चावल बनेगा और फिर तैयार है ये खाने के। गाइस कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और हाँ बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।